मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। फोर्ब्स ने दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनताना लेने वाली हस्तियों की लिस्ट जारी की है। शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार ने टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाई है, जबकि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन इस सूची से बाहर हैं। भारतीय सेलेब्स में शाहरुख खान सबसे आगे हैं। हालांकि दुनिया में उनका नंबर 65 पोजीशन में है। उनकी कमाई $38 मिलियन है। भारत की ओर से जिन हस्तियों ने इस लिस्ट में जगह बनाई है वो सभी बॉलीवुड से हैं। शाहरुख खान के बाद सलमान खान 71 पोजीशन में है। उनकी इस साल यानी 2016 से 2017 की कमाई $37 मिलियन है। अक्षय कुमार $35.5 मिलियन की कमाई करके 80th पोजीशन में है। इसी साल जनवरी में रिपब्लिक डे वीकेंड पर शाहरुख खान की फिल्म रईस रिलीज हुई थी। फिल्म की टक्कर ऋतिक रोशन के काबिल से थी। बावजूद रईस ने 150 करोड़ का बिजनेस किया था। अक्षय कुमार की इसी साल फरवरी में जॉली एलएलबी 2 आई थी। फिल्म ने लगभग 117 करोड़ की कमाई की थी। नाम शबाना ने भी अच्छी कमाई की थी। हालांकि इस फिल्म में अक्षय का किरदार बहुत छोटा था। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान भारत के सबसे ज्यादा पे किए जाने वाले एक्टर हैं। फोर्ब्स का कहना है कि 2002 हिट एंड रन केस जैसे विवादों के बावजूद सलमान खान इंडिया के बड़े सितारों में से एक हैं। सलमान ने मैंने प्यार किया के बाद से 85 से ज्यादा फिल्में की हैं। पिछले साल उनकी फिल्म सुल्तान ने भारी भरकम कमाई की थी। ये दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म थी। फोर्ब्स ने अक्षय कुमार को बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का राजा कहते हुए कहा कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से अब तक काफी अच्छी कमाई की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।